आपातकालीन स्थिति में फैसला लेने के लिए मजबूत और साहसी इंडियन रेलवे एक बार फिर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे हमें उन पर और फक्र होगा। दरअसल आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम के साथ रेलवे के दो कर्मचारी एवरेस्ट को फतेह करने के लिए निकल चुके हैं। सेंट्रल रेलवे एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब ने दो पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए भेजा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान रेलवे की ओर से अपनी तरह का पहला अभियान होगा। सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर नरेश लालवानी ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान को रवाना किया। इस दौरान नरेश लालवानी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना है। पिलग्रिमेज क्या मांगती है? साधना मांगती है ना, और ये जो माउंटेनियरिंग है इट रिक्वायर्स अ साधना ऑफ डिफरेंट काइंड। पांव दर्द कर रहे होते और तब जाना होता है बाहर निकलने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पास 450 सक्रिय खिलाड़ी हैं जो 40 प्रकार के खेलों का अभ्यास कर रहे हैं। 7135 मीटर का हम लोग ने ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट सामने रखते हुए क्लाइम किया था। उसी टाइम हमें पता चला था कि हमारी जो काबिलियत है वो एवरेस्ट क्लाइम करने की है, तो क्यों ना एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद जो भी फिजिकल फिटनेस था वो तो पूरी तैयारी कर ली हमने, लेकिन उसके लिए जो भी जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अपने सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन और स्पोर्ट्स क्लब एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब इन्होंने पूरी तैयारी के साथ हमें तैयार किया है। पहले तो हमें लगता था हमारा पूरा फिजिकल फिटनेस हो गया है, लेकिन अभी मॉरल और मेंटल सपोर्ट भी एकदम स्ट्रांग हो गया है, तो 100% हम लोग ये मिशन फतेह करके आएंगे। एवरेस्ट फतेह करने निकले हेमंत जाधव इंजीनियरिंग शाखा में कार्यरत रहे हैं, वहीं संदीप मुकाशी कार्यालय अधीक्षक के रूप में विद्युत शाखा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मेंटल फिटनेस आता है बेसिकली घर से चालू होता है, क्योंकि उधर हमारे जो फैमिली है पूरी फैमिली सबकी दोनों की ये इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने बोला कि बाकी आप चीज़ कुछ मत ध्यान दे दो, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एक्सपीडिशन। और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना सपोर्ट किया, अभी आप देख रहे हो कि ध्रुव सर जो है हमारे और भड़के सर दे ऑल आर मेंटर, कि उन्होंने इतना हमें हौसला दिया है कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा जो चीज़ लगती है वो उन्होंने दी, तो हम लोग 100% श्योर है कि सेंट्रल रेलवे और इंडियन रेलवे जो है इंडियन रेलवे का जो फ्लैग है वो समिट पे होगा, 100% होगा। जैसे कि साइकोलॉजिकली सबसे बड़ा एक ऑब्स्टेकल रहता है, क्योंकि उधर कोई भी हमारा एक्सपेडिशन रहता है वो एक महीने का रहता है, एक महीने से ऊपर नहीं रहता, लेकिन ये एवरेस्ट है ये दो महीने का है, तो दो महीने में हमारा एक महीना होने के बाद ही हमारा टोटल चालू होगा कि हम लोगों को और एक महीना है ऊपर जाने के लिए। तो ये हम 6 महीने में इसके ऊपर भी योगा के ऊपर भी हमने बहुत सारा ध्यान दिया है और मेंटली वी आर 100% प्रिपेयर्ड कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उधर, और हम दोनों एक साथ है, हम दोनों का पेस भी सेम है, और कुछ भी चीज़ होता है इसको कुछ होता है तो मुझे पता चलता है और मुझे कुछ इसको पता चलता है, ऐसा हमारा टीम वर्क है, तो डेफिनेटली हम सबमिट करके आएंगे। आपको बता दें कि ये दोनों पहले भी हिमालय पर्वत को नापकर न सिर्फ रिकॉर्ड बना चुके हैं बल्कि ऐसा करने वाले रेलवे के पहले पर्वतारोही भी बन चुके हैं।